दोस्तों, जिस प्रकार से हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह लड़ाई हमने छेड़ी है जी, या मान के चलिए हम देश हित में जो भी आवश्यकता होगा उसको करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आ रही है अनंतनाग से, जिस पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है, वहां पहाड़ की चोटी पर जोरदार धमाका हुआ है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सेना ने आतंकियों के ठिकाने को उड़ा दिया है। ये प्रॉब्लम कश्मीर के अंदर की नहीं है, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर की है। जब तक आप जाके वहां पर ठोकोगे नहीं ना पाकिस्तान के अंदर, जब तक आप जाकर, ये कश्मीर में खून बहता रहेगा। दोस्तों, प्रॉब्लम कश्मीर में नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है। के जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे को, हर मर्द और औरत को जो है वो इस आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। कि इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ बड़ा करने जा रहा है इंडिया। और हुआ भी, बालाकोट में ऐसा हमला हुआ जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक ऐसी स्ट्राइक जो कि एक टाइम पे हम सुनते थे सिर्फ इजराइल करता था, दूसरे कंट्रीज में जाके वो स्ट्राइक की थी। कर लो और फिल्म, और खेलना है आपको क्रिकेट पाकिस्तान के साथ? एशिया कप का फाइनल खेलना है। कर्नल साहब की जो वाइफ है ना, जो अभी विडो हुई हैं, जो विधवा हो गई हैं, उनको भी फोन करके बोल देना कि मैडम बहुत मजा आएगा, हम इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलेंगे, ठीक है? उनको भी फोन कर देना। यकीनन कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो घूम फिर के शायद बात इसी तरफ आ जाएगी जहां मैं हूं, लेकिन अभी तक किसी ने नाम नहीं लिया। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये ग्रुप्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत इन ग्रुप को सपोर्ट किया गया और ये रहे। जय हिंद दोस्तों, बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे आर्मी के 4 सपूत शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त कर गए, भगवान उनकी आत्मा को बहुत बहुत श्रद्धांजलि दे। लेकिन दोस्तों, ये कब तक होता रहेगा? और अनंतनाग की ये जो दुश्मन है और ये जो आतंकवादियों हैं, इनके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम किया है, इसके बारे में मैं अपडेट दे दूँ तो पीएम मोदी साहब ने एक भाषण दिया है, उसमें इनडायरेक्ट वे में चेतावनी दी है। अभी खुल के ना ट्वीट किया गया है किसी भी ऑफिशियल द्वारा, गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा, अभी ऐसे कोई बयानात नहीं आए। ऐसा हुआ था जब पुलवामा में और बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी पुलवामा के बदले में, ऐसा तब भी हुआ था कि पुलवामा में अटैक हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं बोला, उस पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक की। तो कुछ ऐसा सीनेरियो दिखता आ रहा है और देखते हैं क्या होता है यार। लेकिन पाकिस्तान की ये जो हरकत है, ये इस बार मंजूर नहीं की जानी चाहिए दोस्तों। और मेजर साहब के, कर्नल साहब के और हमारे जवान जो शहीद हुए, इनके परिवार की हालत क्या होगी? और इस हालत में अगर पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंचता है तो क्या हमें उनके साथ खेलना चाहिए? मेजर गौरव आर्य साहब की ये बातें भी कुछ सोचने लायक है। हमें, मेरे हिसाब से तो हमें तो नहीं खेलना चाहिए दोस्तों। एक तरफ वो हमारे, आप जब पाकिस्तान को ठोक दोगे ना, कश्मीर में खुशहाली हो जाएगी। और मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, आप आज का वीडियो सेव कर लेना, आप नोट कर लो मेरी बात। आज पाकिस्तान ने एक्सेलेटर पे पैर इसलिए नहीं रखा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। सोल्जर, आई स्पीक व्हाट आई हैव टू स्पीक। और मैं फिर से वही लाइन जो मैंने स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू में बोली थी, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज डेट्रीमेंटल टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। फिर से बोलूं, द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज डेट्रीमेंटल टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। इफ वी हैव टू थ्राइव, दे मस्ट सीज टू एग्जिस्ट। जब तक पाकिस्तान नाम का नासूर रहेगा ना, यहां पर खून बहता रहेगा। और जब तक आप सरहद पार जाके उसको ठोकेंगे नहीं अच्छी तरीके से, अगर बालाकोट की स्ट्राइक पहले हो जाती, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बालाकोट की स्ट्राइक पहले हो जाती तो पुलवामा नहीं होता कभी, अगर सर्जिकल स्ट्राइक पहले हो जाती तो उड़ी कभी नहीं होता। इनकी घास काटते रहो तब जाके लाइन में आएंगे। इनको ये ऐसे मानने वाले नहीं है, मैं तो इनको रग रग से वाकिफ हूं इनके, आई नो दैट डीएनए इनसाइड आउट। आप इनको ठोकते रहो, इनसे अच्छे कोई लोग नहीं है दुनिया में पाकिस्तानियों से, बस इनको ठोकते रहो, रेगुलर एनकाउंटर, रेगुलर ठाठा, ठोकते रहो। ये सब लाइन पे रहते हैं, ये सबसे अच्छे लोग हैं दुनिया के, सबसे अच्छे लोग। अगर इनको ठोकते रहो, जहां आपको लगा कि नहीं अब तो सब ठीक ठाक है, यहां पे पीठ पे खंजर उतारेंगे। ठीक है, ये मोमबत्ती जब बुझती है ना तो बुझने से पहले उसका शोला भड़कता है। ये दहशतगर्द अब खत्म हो रहे हैं, पाकिस्तान तो वैसे खत्म हो रहा है, तो ये अब वो भड़क रहे हैं। लेकिन इसके, इस मोमबत्ती को बुझाने के लिए, ये जो दहशतगर्दी की मोमबत्ती है, ये जो दहशतगर्दी की आग है, इसको बुझाने के लिए जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को, चाहे वो यूनियन टेरिटरी से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखता हो,
उसको अपना हिस्सा डालना होगा। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है वो टर्की गया है, ठीक है, वो टर्की गया है क्योंकि वो टर्की को उकसाने के लिए गए हैं कि ये जो मिडिल ईस्ट का जो ये यूरोप तक का ये जो प्रोजेक्ट है, जो इंडिया और बाकी 6-7 देशों का प्रोजेक्ट है कि सऊदी अरब और फिर आगे इजराइल से जो है वो यूरोप तक का रास्ता बनाया जाए तजारती, उसको सेबोटाज करने के लिए चाइना ने इसको भेजा है वहां टर्की के, टर्की को जाके उंगली करो, उकसाओ उनको। और वही बयान अर्दोगान ने दे दिया है कि जी हमें इससे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हम ये नया रूट बनेगा जो इराक से गुजरे, समझ आई। तो इसलिए ये बड़ी गेम चल रही है, इसको समझने की कोशिश करें। जितनी जल्दी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को आजाद करवाया जाए पाकिस्तान की कैद से, उतनी ही जल्दी ये दहशतगर्दी जो है ये खत्म होगी यहां पे। अनंतनाग एनकाउंटर में हमारी आर्मी के सेना के 2 अफसर शहीद हुए और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर शहीद हुए, और इनकी शहादत के बाद 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोले हैं, कोई ट्वीट नहीं किया है, डिफेंस मिनिस्टर कुछ नहीं बोले हैं, कोई ट्वीट नहीं किया है। ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ बोलती है। याद है आपको वो पुलवामा एनकाउंटर जिसके बाद प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर और पूरी लगभग ज्यादातर मिनिस्टर्स चुप बैठे थे, कुछ मिनिस्टर्स बोले भी थे लेकिन प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तो चुप थे। और क्यों चुप थे, इसकी एनालिसिस की थी उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने बोला था कि इंडिया कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ बड़ा करने जा रहा है इंडिया। और हुआ भी, बालाकोट में ऐसा हमला हुआ जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक ऐसी स्ट्राइक जो कि एक टाइम पे हम सुनते थे सिर्फ इजराइल करता था दूसरे कंट्रीज में जाके, वो स्ट्राइक की थी। इस बार भी चुप है प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर, कुछ तो गड़बड़ है। साथ में बालाकोट जैसी स्ट्राइक की अटकलें लग रही हैं, ये अटकलें भी लग रही हैं कि कहीं सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, कहीं पे सीधा निशाना लिया जा सकता है। पाकिस्तान इन अटकलों पे, पाकिस्तान में हमारे चैनल देखता है, न्यूज चैनल भी देखता है, यूट्यूब चैनल भी देखता है, मेरे चैनल भी पाकिस्तान के लोग देखते हैं, उनको भी पता लग रहा है कि वो क्या सकता है, घबरा गया है। बॉर्डर पे जो लॉन्च पैड थे उनको पीछे करना शुरू कर दिया, 300-400 किलोमीटर पीछे ले गए हैं, लोग साफ जाते हुए दिख रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं। जो सैटेलाइट पिक्चर जैसे ही मेरे पास आएंगे, मेरे मंगवाई हैं, जैसे ही आएंगे मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे गाड़ियां खड़ी हैं, लोग जाते हुए दिख रहे हैं ऊपर से पिक्चर्स में, सैटेलाइट पिक्चर्स में, और लॉन्च पैड खाली किए जा रहे हैं। वो लॉन्च पैड जो है वो वहां से आतंकवादियों को पीछे ले जा रहे हैं 300 किलोमीटर, जैसे कि 300 किलोमीटर तो हमारे प्लेन जाते ही नहीं ना, हमारे प्लेन के पास कोई पावर नहीं है, 300 किलोमीटर जहां तक मार सकते थे वहां तक मार सकते थे लॉन्च पैड तक, उससे आगे 300 किलोमीटर ले जा सकते। पीओके ही नहीं, पाकिस्तान में भी हालत ये है कि पाकिस्तान के आतंकवादियां अपने आतंकवादी जो अपने आप ठिकाने छोड़ करके कहीं दूर दराज के गांव में जाके छुप रहे हैं, कहीं शहरों की बिल्डिंग में छुप रहे हैं, सिविलियन एरियाज में जाके छुप रहे हैं, ताकि ऊपर से स्ट्राइक, पता है इंडिया सिविलियन एरियाज में स्ट्राइक नहीं करेगा, इसलिए ये भी कि पिछली बार बहावलपुर, एक पिछली बार टारगेट था बहावलपुर और दूसरा टारगेट था मुरीद के, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर था, ये टारगेट पिछली बार भी लिया गया था, लेकिन अल्टीमेटली बालाकोट को क्यों चुना गया, इसलिए चुना गया कि बालाकोट के आसपास कोई सिविलियन पॉपुलेशन नहीं थी, लेकिन बालाकोट और मुरीद के दोनों डिस्कशन में थे, इस बार भी डिस्कशन में होंगे। बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर है और मुरीद के में जो लश्कर का हेडक्वार्टर है, ये दोनों एरियाज खाली करवाने का काम शुरू हो गया है, इन दोनों को खाली करा के लोगों को कहीं कहीं भेज दिया गया है, दोनों जगह से आतंकवादी गायब होते दिख रहे हैं, गाड़ियां आती जाती दिख रही हैं, इसका मतलब आतंकी छोड़कर भाग रहे आतंकियों को धोएंगे वो तो हम लोग को पता है। लेकिन दोस्तों एशिया कप का फाइनल भी आ रहा है, भारत फाइनल में, अगर पाकिस्तान भारत फाइनल में पहुंचते हैं दोनों, तो क्या इन जवानों के शहादत के बाद हमें पाकिस्तान के साथ एशिया कप के फाइनल मैच को खेलना चाहिए? दोस्तों एक तरफ वो हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं और टेरर फंडिंग कर रहे हैं, टेररिस्टों को पैसे देके कश्मीर में भेज रहे हैं, हमारे इधर अशांति फैला रहे हैं, और ऐसे में हम उनके साथ मैच खेल के एक तरीके से उनको खुद ही फंडिंग करेंगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है बड़ी संख्या में दुनिया से दर्शक देखते हैं और पैसा दोनों देशों में डिवाइड हो जाता है, मान के चलो नहीं तो हजार करोड़ दोनों टीमों को मिलती है, 1000 करोड़ से वो कितना टेरर फंडिंग कर सकते हैं कश्मीर में, आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो क्रिकेट मैच, अगर भारत पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल होता है तो ये नहीं खेलना चाहिए, भारत गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि यार ऐसा कुछ हो कि हम नहीं खेलेंगे, जो भी हो यार लॉस होगा इंडिया को 1000 करोड़ का, उसका कोई
दिक्कत नहीं है हमें, इतना हम अपने आर्मियों के लिए सह लेंगे। बट मेरे हिसाब से तो यार ये मैच नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय देंगे जरूर कि क्या इस शहादत के बाद एशिया कप का ये मैच फाइनल अगर भारत और पाकिस्तान का होता है तो होना चाहिए या नहीं।